जब बाराबंकी जनपद में विनोद यादव खनन माफिया गिरफ्तार किया गया था तो वाली घटना आपको याद है? क्यों नहीं, बेशक ही याद होगी। अब आपको बता दें कि बाराबंकी जनपद के पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी द्वारा प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के स्पेशल स्क्वाड द्वारा अंतर जनपदीय खनन माफिया राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया। जी हां, और साथ ही दो डंपर बरामद हुए और इसमें उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। और मामले की पूरी जानकारी बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी ने दिए। तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दो दिन पहले में हमारे विशेष कार्यबल ने, जिसको मैंने गठित किया था अवैध मिट्टी के खनन के अनावरण के लिए, एक बड़ी सफलता मिली थी। जनपद का एक कुख्यात खनन माफिया है विनोद यादव, उसके साथ इसके अन्य साथियों की गिरफ्तारी हुई थी। बड़ी संख्या में उपकरण बरामद हुए थे और अवैध रूप से चोरी की मिट्टी के खनन का खुलासा हुआ था। इससे हुई पूछताछ के आधार पर जनपद बाराबंकी और आसपास के जनपदों में अवैध रूप से मिट्टी खनन वाले कुछ लोगों के बारे में जानकारी हुई, जिनमें एक बड़ा कुख्यात प्रभावशाली व्यक्ति राजेंद्र यादव नाम का प्रकाश में आया। इसके जो यहाँ अनुमति हुई थी उसके संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय से प्रपत्र निकाल कर जानकारियाँ हासिल करने पर ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा थाना सत्री के ही एक गाँव में दो गाटा संख्याओं में 10,800 घन मीटर मिट्टी निकालने का की अनुमति प्राप्त की गई। मौके पर जाँच पर पाया गया कि दो वायलेशंस हुए। एक तो जिस गाटा संख्या से मिट्टी खनन की अनुमति थी वो पूरा साफ सुथरा रहा, उसके अगल बगल के गाटा संख्या से चोरी से उन गाटा स्वामियों की बिना जानकारी के मिट्टी का खनन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त जो पैमाइश हुई संबंधित विशेषज्ञों द्वारा, उससे मालूम पड़ा कि जो टोटल खनन है वहाँ पर वो 18,600 घन मीटर का है, जबकि अनुमति केवल 10,000 कुछ घन मीटर की थी। इस प्रकार अवैध रूप से अधिक खनन किया गया। इस संबंध में उचित धाराओं का मुकदमा लिख के राजेंद्र यादव को उनकी गाड़ियों सहित गिरफ्तार किया गया है। आज उन्हें जेल भेजा जा रहा है। स्पष्ट संदेश है कि कोई भी व्यक्ति अगर जनपद बाराबंकी में अवैध रूप से किसी भी बहाने से खनन करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, कितनी गाड़ियाँ आज इनके साथ? टोटल दो गाड़ियाँ, दो जो डंपर हैं वो बरामद हुए हैं और एक इनकी खुद की सवारी गाड़ी बरामद हुई है जिसमें रहते हुए ये अवैध कार्यों को संपादित कराते थे। तो बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी की बातें सुनकर क्या पूरा मांझा विस्तार पूर्वक समझ गए होंगे और यह भी जान गए होंगे कि किस तरह से बाराबंकी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए एबीएन न्यूज 24 की प्यारा रिपोर्ट। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।